हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अपनी जो बाइक की चेन होती है, चेन इसमें से कट कट की आवाज आ जाती है। अलग अलग तरह की आवाज होती है, लेकिन अगर कट कट की आवाज आ जाए बाइक के चेन से, तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को देखना है आपकी बाइक कितनी लूज है। बाइक इतनी, जैसे मैं यहां से देख रहा हूं, एक इंच लूज होनी चाहिए, एक इंच लूज होनी चाहिए। ज्यादा टाइट भी ना रखी, अगर ज्यादा टाइट है चेन फिर भी आवाज आ जाएगी, ज्यादा लूज है फिर भी आवाज आ जाएगी। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पे फ्रंट स्प्रॉकेट है, चेन का फ्रंट स्प्रॉकेट, यहाँ पर अगर गड़बड़ होगा फिर भी आवाज आ सकता है। और इसका जो नोक है, ये अगर बराबर घिसा हुआ रहेगा फिर भी आवाज आ सकता है। तो इसका लॉक निकाल के आपको इसको पलटी मार के भी लगा सकते हैं। ये जो स्प्रॉकेट है इसको पलटी कर सकते हैं निकालने के बाद, है ना, तभी अच्छा है, क्योंकि एक तरफ से ये घिसा जाएगा, एक तरफ से ये घिसा जाएगा, इसके लिए पलटी मार सकते हैं निकालने के बाद। या कभी कभी क्या हो सकता है, जब आपने इसका जो कवर निकाला, ये पैनल निकाल दिया, इसका पैनल निकाला, बाद में अगर बिठाते समय अगर ढीला होगा तो यहां से भी कट कट आवाज आ सकती है, जो पैनल को टच होता रहेगा, है ना, ये हिसाब से आवाज आ सकता है। यानी जैसे मैंने बता दिया, कुछ टेंशन की बात नहीं रहती है। अगर चेन की आवाज आती है तो चेन में देखना है एक इंच लूज है क्या, देखना है एक इंच, अगर एक इंच लूज नहीं रहेगा तो लूज करे, ज्यादा लूज ना करे फिर भी आवाज आएगी, ज्यादा टाइट भी ना करे। ज्यादा टाइट क्यों नहीं करे, क्योंकि घेर को बदली करना पड़ता है। जैसे घेर बदली होगा तो उस समय यहाँ से कैसे फिटिंग होते रहता है ना, ये हिसाब से हमें क्या एक इंच लूज रखना चाहिए बाइक का चेन। दूसरी बात मैंने बता दिया कि यहाँ का जो नोक दिया है, ये फ्रंट चेन का जो स्प्रॉकेट है उसका, ये अगर खराब हुआ है तो उसको निकाल के पलटी कर दो, यानी ताकि अच्छा हो जाएगा। चले, यहाँ पे लॉक होता है निकालने का। और तीसरी बात, अगर आपने ये पैनल खोला होगा, इसको फिर से बिठाते समय अगर गड़बड़ किया होगा, लूज हुआ रहेगा, तो यहाँ पे चेन घिसता जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ घिसता जाएगा, यह मतलब है। तो आप इसे अच्छा तरीके से ढूंढकर उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लिखे आती रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।